हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। नया नायक, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से कर्नाटक में छात्रों के बुरखा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन्हें पहनने के लिए मना किया जा रहा है कि आप पहन कर कॉलेज ना आए। कौन है इस्लामुद्दीन भाई, बताइए होते कौन है? मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? इन्होंने मुझे पैदा किया है, इनका क्या हक है? आज हम सालों से पहन रहे हैं, ये हमारे लॉ में है, फ्रीडम टू इक्वालिटी हमारा हक है, आप होते कौन है? अरे शर्म नहीं आती है? वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं हमें किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से नहीं आया। ओ माय गॉड, अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि मुसलमान बच्चियां हिजाब पहन के एजुकेट तालीम हासिल करेंगी कि नहीं? तालीम तो हम हर हाल में हासिल करेंगे, आपको जो करना है कर ले। यानी एक हिसाब से तालीम पर पाबंदी लगाई जा रही है। लगाई जा रही, क्यों? आपको डर लग रहा है कि मुसलमान बच्ची आगे ना चली जाए? आप रोक सके तो रोक ले, हम रोकने वालों में से नहीं और रुकने वालों में से नहीं है। आपकी आपके हाथ की कठपुतलियाँ नहीं हम, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में लाया हिफ्ज़ ज़मान में रखने की, हिफाजत करने वाला ऊपर वाला, आप होते कौन हो? आपकी औकात क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट, हाय हाय, शेम ऑन यू, शेमलेस गवर्नमेंट। मैं सबसे पहले तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि कर्नाटक हुकूमत ने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अगर वो बुर्का लगा करके आ रही हैं तो आपको क्या एतराज़ है? आप जब एक आरोपी को पकड़ करके लेके जाते हैं कोर्ट में, तो उसको बुर्का पहना के लेकर के जाते हैं कि वो आरोपी को किसी किस्म का खतरा महसूस ना हो, ताकि कोई उसको पहचान ना पड़े, जो उसके विरोधी लोग हैं उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए बुर्का लगवाते हैं, और एक तरफ से हमारे समाज की बच्चियों का बुर्का उतरवाते हैं और उनका जो स्कार्फ है वो बोलते हैं वो लगा करके मत आओ, इस पर पाबंदी आयद करते हैं। वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है वो टोटल कंप्लीट RSS के आदमी हैं, और उनकी सोच इतनी गंदी है कि वो चाहते हैं कि समाज की औरतों को हम किस तरीके से नंगा कर करके रोड पर के लाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हिंदू समाज में भी जब आप देखेंगे, कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं इसके समर्थन में है कि बुरखा ना पहन कर आए। देखिए वो उनकी मेंटालिटी है, उनको नहीं, उनके यहाँ हम उनको, आपको एक चीज़ उसी जरिए बताना चाहते हैं कि हिंदू समाज की जो औरतें हैं, आप अक्सर देखेंगे राजस्थान वगैरह में आप जब चले जाएंगे तो देखेंगे वो इतना बड़ा बड़ा घूंघट निकाल के रखती हैं। जब वो पर्दा करती हैं वो समाज पर्दा करता है। हमको तो बचपन, हमको तो 1400 साल पहले बता दिया गया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पर्दा इस्लाम में सबसे अहम फरीज़ा है, बुरका लगाना है आपको, पर्दा करना है, पर्दा हम किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। हम कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हैं, आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ी, और सुनिए, ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पर उतर करके शहर को बंद करा करके इसका एहतजाज करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमको ये मालूम पड़ा है कि उन लोगों ने शायद कुछ बच्चियों को ले लिया है कॉलेज में और उनके लिए अलग क्लास में बिठाया है उनको। ये क्या है, ये कौन सा तफरका है? अगर आप क्लास में ले रहे हैं तो आपने जिस वक्त क्लास में एडमिशन लिया था स्कूल में या कॉलेज में, आपने ये बताया था कि आपको बुरका नहीं लगा के आना है? अगर आप हमको पहले बता देते हमारे कौम की बच्चियों को कि आपको बुरका, जो रूल है उसमें है कि आप बुरका हिजाब लगा कर आ सकते हैं, हाँ, तो वो फिर आज क्यों? जब अगर उन्होंने ये पहले से परमिशन दिया है कि आप बुरका लगा के आ सकते हैं, तो ये अचानक फैसला चेंज क्यों? इसमें सरासर कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन चल रहा है। कर्नाटक में कॉलेज स्कूलों में लड़कियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, बिना बुरके के उन्हें आने के लिए कहा जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं, क्या कहेंगे? बुरका हमारे इस्लाम की पहचान है,
और बुरका हम नहीं छोड़ेंगे, ये सब गलत है, दादागिरी है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, एक ने तो एक मुद्दे इस्लाम के लिए लेकर आ रहे हैं, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। और इस्लाम की पहचान हमारे बुरका, हम बुरका कभी नहीं छोड़ेंगे, बुरका हम पहनेंगे, हमारी पहचान है बुरका। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता जा रहे हैं तो जो हिंदू समुदाय की लड़कियां हैं उनको भगवा कलर का मफलर दिया जा रहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी तो हिंदू समुदाय की लड़कियां भगवा कलर का मफलर पहनकर आएंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की लड़कियां औरतें हिजाब पहनती हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है एक राजनीति भी हो रही है? राजनीति हो रही है इसमें, और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ जो राजनीति हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है। ये बुरके को लेके एक मुद्दा हो रहा है, बुरके को लेके, और इसमें कुछ नहीं है, बस एक मुद्दा है ये लड़ाई झगड़े का। आप क्या कहें? बुरका हम पहनेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बुरका कभी नहीं छोड़ सकते, ये हमारी पहचान है। वहाँ के कुछ स्कूलों ने जो बुरका लगा के लड़कियाँ गई थी उनको कॉलेज में तो ले लिया गया, लेकिन एक अलग क्लास में बिठा दिया गया, उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो सभी देख रहे हैं, और इसके खिलाफ हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, हम चाहेंगे कि इस वक्त हमारे लिए कोई सपोर्ट करे, और अगर कोई नहीं है तो हम हमारे लिए काफ़ी है। अरे हमारे मजहब का है हमारा, हम लोग हमेशा ये पहनेंगे बुरका, हम लोग कभी इतराज नहीं करेंगे, हमारे हक की लड़ाई है, हम अपने पाबंद में रहेंगे, हम अपने आप में रहेंगे, हमारा निकाब है, हमारा ये लिबास है, हम यही पहन के चलेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अपना अपना गिरेबान झक के देखें, फिर दूसरे को ऊपर उठाए मुद्दा।